السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. صحيح مسلم جلد أول كتاب الإيمان کا ساتواں باب ہے. باب الدعاء إلى الشهادتين वो शराए इस्लाम, यानी लोगों को तौहीद रिसालत की गवाही देने की तरफ दावत देना और इस्लाम के दूसरे अहकाम की तरफ दावत देना. यानी अगर कोई शख्स कुफार मुशरिकीन को या यहूद नसारा को दीन की दावत दे तो कैसे दीन की दावत दे, उसकी तरतीब क्या होगी. तो क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना अबू बकर बिन अबी शैबा व अबू कुरैब व इसहाक बिन इब्राहिम जमीअन अन वकी. क़ाल अबू बकर क़ाल हद्दसना वकी अन ज़करिया बिन इसहाक क़ाल हद्दसनी यहया बिन अब्दुल्लाह बिन सैफी عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده لا اله الا الله وان رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فعلم من الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن متعوا لذلك فعلم من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أبنائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن متعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने मुआज़ बिन जबल के बारे में नकल किया है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन भेजा था. ये इमाम मुस्लिम ने ये जिक्र किया है कि قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس عن مُعَاذ بن جبل. ये यानी एक सनद में ऐसा है अन अबी माबद अन इब्ने अब्बास अन मुआज़ इब्ने जबल और अबू बकर बिन अबी शैबा की जो सनद है उसमें यह है कि काला वकीउन अन इब्ने अब्बास अन मुआज़न काला, यानी इब्न अब्बास कहते हैं कि मुआज़ ने मुझसे ये बात कही. इसमें गोया सीमा की वजाहत हो जाती है. वो कहते हैं कि भेजा मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहाँ भेजा, यमन भेजा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को यमन भेजा था. यमन में यहूदी रहते थे, बल्कि यहूदियों को हुक्मरानी थी यमन में और नजरान में ईसाई रहते थे. तो कहा भेजा मुझको अल्लाह रसूल ने यमन. काला इन्ने कता थे कौम अहल किताब, आपने कहा तुम लोग अहल किताब की कौम के पास जा रहे हो, तुम अहल किताब की कौम के पास जा रहे हो यहूदियों के पास. तो उनको ये दीन की दावत की तरतीब क्या होगी, उनको दावत दो पहले इस बात की तरफ ये अल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ. फ़ैन हूँ मताओ लिजालिक, अगर वो लोग इसकी पैरवी कर लें मान जाएं, तो उसके बाद उनसे कहो कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है उन पर पांच नमाज़ें एक रात और एक दिन में. अगर वो इसको मान लें तो बता दो कि अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज ज़कात फ़र्ज़ की है, जिसको लिया जाएगा मुसलमान मालदारों से और मुसलमान फ़करा पे लौटाया जाएगा.
अगर इसको मान ले तो या का वो कराएमा मालिम, तो बचिए तो तुम बचो उनके बेहतरीन माल से। ये कराइम वाहिद करीमतुन, करीमा माने उम्दा माल, यानी बचो उनके उम्दा माल से। वह तकेदावत मजलूम, और बचो मजलूम की बददुआ से, इसलिए कि मजलूम की बददुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। इसमें कई बातें काबिल तवज्जो हैं। एक तो ये है कि इसमें कई बहूस हैं। पहली बहस ये है कि इस हदीस से इमाम खत्ताबी वगैरह ने इस्तदलाल किया है कि अज़्ज़कातुला यजूज़ नक़लुहा अन बलदिन अन बलदिल माल। एक मसला है कि जहाँ से ज़कात ली जाए तो ज़कात वहीं के लोगों पर ख़र्च कर दिया जाए। अल्लामा खत्ताबी का इस्तदलाल है इस टुकड़े से कि फ़तुरद्दुफ़ी अफ़ुक़राई, मगर ये इस्तदलाल वाज़े नहीं है, इसलिए कि फ़क़राहिम के ज़मीर में ये मुसलमान यानी मुसलमान फ़क़रा मुराद है, कहीं के भी हो, किसी भी शहर के हो। और बाज़ लोगों ने ये इस्तदलाल किया है कि कुफ्फार व मुशरिकीन फ़ुरू के मुखातब नहीं है, यानी दुनिया में जो कुफ्फार मुशरिकीन है वो जैसे नमाज रोज़ा ज़कात इसके मुकल्लफ नहीं है, यानी फ़ुरूई अहकाम के मुखातब नहीं है। मगर ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये जो कहा गया है कि आलिमुहुम अन्नहुम मुतालबून बिस्सलावात वग़ैरह फ़ि दुनिया, ये जो टुकड़ा है आपने कहा कि अगर वो तौहीद रिसालत को मान लें तो बता दो उन्हें कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया उन पर पांच नमाज़ें, यानी उन्हें बता दो कि पांच नमाज़ों के भी मुकल्लफ़ हैं वो लोग 24 घंटे में। एक बहस थी। एक दूसरी बहस ये है कि ये ज़कात के सिलसिले में ये जब ज़कात निकाली जाएगी तो ज़कात तीन तरह का माल होता है, रद्दी माल, मुतवसित माल, सबसे उम्दा माल। तो ज़कात देने वाला रद्दी माल न दे और ज़कात वसूल करने वाला सबसे अच्छा माल न ले, दोनों के लिए हुक्म है। एक आदमी ज़कात दे रहा है तो रद्दी माल दे दे, ये भी दुरुस्त नहीं है। या ज़कात वसूल करने वाला बढ़िया माल ले ले, ये भी दुरुस्त नहीं है। औसत माल लेना चाहिए। आपने कहा फ़ैया का व कराएम मुआलिम, और आगे की एक हदीस है क़ादिल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हद्दसना इब्न अबी उमर क़ाल हद्दसना बिशर इब्न सरी हद्दसना ज़करिया इब्न इसहाक़ हा व हद्दसना अब्दु इब्न हुमैद क़ाल हद्दसना अबू आसिम अन ज़करिया इब्न इसहाक़ अन यह इब्न अब्दुल्लाह इब्न सैफ़ी अन अबी माबद عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكي. हाँ, यहाँ एक दूसरी सनद है, अलबत्ता यहाँ फिर वही मामला है कि सनद का जो ऊपरी हिस्सा है तो उसकी एक शाख है, और जब सनद नीचे हो गई है तो उसकी दो शाखें हो गई हैं। देखिए, पहली सनद है इमाम मुस्लिम के उस्ताद इब्न अबी उमर, उनके उस्ताद बिशन बिन सर्री, उनके उस्ताद ज़करिया बिन इसहाक़, और दूसरी सनद है इमाम मुस्लिम के उस्ताद अब्दुल हमैद, उनके उस्ताद अबू आसिम और उनके उस्ताद ज़करिया बिन इसहाक़। गोया ज़करिया बिन इसहाक़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद एक है, और ज़करिया के नीचे इमाम मुस्लिम तक सनद की दो शाख हो गई है। तो इसी की तरफ इशारा करने के लिए हा
यानी तहवील का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने कि आपने भेजा यमन की तरफ, इसमें एक चीज़ जायद है कि यमन की तरफ भेजा था और यमन में यहूदियों की आबादी थी। आपने कहा इन्हें कहा सताती कौम बे मिसल हदीस वो की, और आगे एक आखिरी हदीस बाप की है, क़ाल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हद्दसना उमय्यतुन बिस्ताम अल आयशी क़ाल हद्दसना यज़ीदुन ज़ुरै क़ाल हद्दसना रौहुन उब्न अल-क़ासिम अन इस्माइल इब्न उमय्या अन यहया इब्न अब्दुल्लाह इब्न सैफी अन अबी माबद अन इब्न अब्बास أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فَإِذَا أَتَعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّعَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ یہ حدیث بھی اسی سند سے دوسری سند سے حدیث وہی ہے، اِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَىٰ قَوْمٍ عَلَىٰ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ، اس میں اس حدیث میں دین کی دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دین کی دعوت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یعنی کفار و مشرکین عقائد کے بھی مکلف ہیں اور فروق بھی مکلف ہیں، لیکن دین کی دعوت و تبلیغ میں ترتیب ہی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تم ان کو دعوت دو اللہ کی عبادت کی طرف، اس میں دیکھیے رسالت کا ذکر نہیں ہے، اور جب جان اللہ کو جان جائیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں دن و رات میں، اور فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُونَ أَمْوَالَهُمْ اغنیام فترد والا فقرائی، اگر اس کو مان لے تو ان سے لے لو۔ وہ توقع اس میں تھا یا کا توقع با تفاعل سے فعل امر ہے، بچیے ان کی بہترین مال سے۔ دیکھیے اس حدیث کے کئی فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ الفطر لیس بواجب، نماز فطر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں نماز فطر کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے، اور معاذ بن جبل یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے کا ہے، اس لیے کہ معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا تھا وفات سے تھوڑی مدت پہلے، تو اس میں وتر کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ وتر یہ سنت موقعہ ہے عام سنتوں کی طرح، اور دوسری بات یہ کہ خبر واحد حجت ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاذ بن جبل کو بھیجا تھا دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے احکام کو پہنچانے کے لیے، دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی خبر بھی حجت ہے، اس لیے کہ معاذ بن جبل کے ساتھ آپ نے زیادہ لوگوں کو نہیں بھیجا تھا۔ بہرحال یہ باب ختم ہو گیا، باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع الاسلام، اور آگے ایک بڑا تفصیلی باب آ رہا ہے باب نمبر 8، تو انشاءاللہ اس کا درس کب ہوگا؟ کل ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔